दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाऊंगी आलू और परवल का चौरचौरी। ये बहुत सिंपल एक डिश है, आप दाल चावल के साथ खा सकते हो, आप फुलका या रोटी के साथ खा सकते हो, पराठा पूरी सबके साथ खा सकते हो। इतना सिंपल है, आप देख के हैरान हो जाओगे। तो मैंने एक पाव देसी परवल लिया, इसमें बीज नहीं होता, तो 250 ग्राम से 6 परवल आया। इस वजह से देसी परवल है, थोड़ा महंगा है, हल्का ग्रीन कलर का। और 2 पोटैटो लिया। तो पहले मैं पोटैटो को पील करूंगी, ठीक है। अभी इसको 2 टुकड़ा करिए, उसके बाद बीच में से करिए, मैं जैसे करती हूँ। उसके बाद इसको ऐसे। और एक चीज ख्याल रखिएगा, कभी भी कोई भी डिश में जब आप लोग आलू यूज करते हो, हमेशा कटोरी में पानी लेके बैठना, वाटर लेके बैठना, क्योंकि आजकल घर घर में डायबिटीज है, मोटापा है, तो ये जो स्टार्च है निकल जाता है। मैं तो हमेशा करती हूँ, मर्जी आप लोगों की, आप लोग करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं अच्छा अच्छा चीज आप लोगों को सिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें सारा स्टार्च निकल जाएगा, इसलिए पहले आलू काटिए, स्टार्च निकल जाए, और एक दो बार धो लीजिए, उसके बाद करिए। अभी परवल को हमें काटना है। आप लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ये परवल जब छीलेंगे ना, देखिए ऐसे थोड़ा गैप रखिए, थोड़ा सा परवल रखिए, क्योंकि खाना बनाने के समय ना ज्यादा नरम हो जाएगा। थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा रखिए, ऐसा करिए। लाइक दिस, ओके। दूसरा मैं दिखा देती हूँ, और एक में आगे पीछे कट करिए, उसके बाद पीलर से या चाकू से ऐसे करिए, थोड़ा गैप दीजिए, थोड़ा सा छिलका रहने दीजिए। और देसी परवल इसमें जो रंग मिलाते हैं ना ग्रीन कलर का, इसमें देखिए नहीं है, थोड़ा महंगा। तो हो गया, तो दिखा देती हूँ मैं कट करके, ठीक है। इसको ऐसा करिए, ज्यादा छोटा मत करिए, नरम हो जाएगा, देखिए। लेकिन इसको पानी में मत रखिए, इसको सूखा ही रखिए। इसको ऊपर से धो लीजिएगा, अंदर से धोने का कोई जरूरत नहीं है। और एक कट करके दिखाती हूँ, रख दीजिए, उसमें बिल्कुल बीज नहीं है, देसी परवल लीजिएगा, देखिए कच्चा बीज है। और इसमें हम लाल मिर्ची नहीं देंगे, ठीक है, इसमें हम हरी मिर्ची देंगे। बहुत जल्दी बन जाएगा, और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, खा के एक बार बोलिएगा। तो अब मैं चलिए किचन में बनाने चलते हैं। तेल कम दीजिएगा, परवल में तेल कम खिंचता है, देखिए इतने में बन जाएगा। आजकल लोग तेल कम खाना चाहते हैं। इसको गर्म होने दीजिए, हम देंगे 5 फोरन। पिछले वीडियो में भी मैंने दिखा था, ये होममेड 5 फोरन है। इसमें है कलौंजी, सफेद जीरा, मेथी, रांधुनी, और क्या बताइए बताइए। तो हो गया, ठीक है। अभी पहले आलू देंगे, ठीक है, क्योंकि आलू सख्त होता है। मैं देखती हूँ यूट्यूब में लोग खाना बनाना सिखाते हैं, तो एक साथ दोनों सब्जी दे देते हैं। नियम ऐसा है कि ग्रेजुअली देना पड़ता है, मिक्स वेज में भी जो सबसे सख्त है वो सबसे पहले, धीरे 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 नीचे जो सबसे नरम है वो। परवल बहुत नरम चीज है, तो इस वजह से आलू को हम पहले देंगे। ये मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि किचन भी गंदा होता है, किचन साफ करना भी एक मुसीबत वाली काम हो जाता है। और थोड़ा आलू देखिए, हो गया जितना होना था। अभी तेल के ऊपर हल्दी पाउडर दे दीजिए, परवल दे देंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसका कलर आ गया, अभी इसमें हम परवल दे देंगे, देखिए गैस थोड़ा बड़ा कर देंगे। परवल बहुत नरम सब्जी होता है, जल्दी पक जाएगा।
उसके बाद हम इसमें नमक देंगे। लीजिएगा क्योंकि सब्जी कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, पानी कम हो जाएगा पानी निकल के, ठीक है। तो दोस्तों इधर करके नमक दीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए, नमक जितना कम खाओ। ऑल टाइम शुगर इज पॉइजन, बट बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। देखिए हर चीज लिमिट में चीज है, तो इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। देखिए इतना तक ही फ्राई चाहिए, ज्यादा फ्राई मत करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी दीजिए, देखिए हम इसको भी कवर कर देंगे। देखिए पानी पूरा सूख गया है तो ये बन गया है। देखिए थोड़ा गीला थोड़ा सूखा, मैंने टेस्ट करके देखा बहुत अच्छा। अभी मैं साफ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। फुल्का बना रही हूँ छोटा 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 फुल्का। आटा ले लो, उसके बाद छोटा छोटा फुल्का बहुत पसंद है मुझे, उसके साथ आलू परवल की सब्जी ब्रेकफास्ट में। बन गया फुल्का फुला फुला रोटी फुल्का बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। देरी हो गया, 8 बज गया। आप लोग क्या बना रहे हो बताओ दोस्त, आप लोग क्या बना रहे हो बताओ। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, देरी हो गया, 8 बज गया। अरे वाह बेलून जैसा बना मेरा फुल्का, अरे वाह मजा आ जाएगा खाने में। अभी खा के दिखाते हो, आलू परवल की सब्जी और फुल्का। आप भी ज्वाइन करिए मेरे साथ, छोटा छोटा फुल्का रोटी और मैं खाऊंगी गुड़, जरूर गन्ने का गुड़ खाइए ब्रेकफास्ट के साथ, बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। हरी मिर्ची है, मैं हरी मिर्ची खाऊंगी। आहा ये हरी मिर्ची तेज कम है, ये भिंडी जैसा है। दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट किया आलू परवल का सब्जी या चचड़ी, वेरी सिंपल इजी टू डाइजेस्टेबल, तेल मसाला कम है। तो ये बनाइए खा के देखिए, मेरे चैनल पे आइए क्वीन सिंपल यूनिक में और मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो क्वीन सिंपल यूनिक से मेरा उससे अभी विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।